नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। नेशनल डेमोक्रेटिक गठबंधन यानी कि एनडीए और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की लड़ाई के बीच बहुजन समाज पार्टी खासी चर्चा में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती नए प्लान पर काम कर रही हैं। अपने नए प्लान से मायावती विरोधियों को चौंकाने वाली हैं। पार्टी जल्द ही अपनी वेबसाइट और ऐप लॉन्च करने वाली है, जिसके जरिए बूथ लेवल से हाई लेवल तक की कनेक्टिविटी होगी और बीएसपी का ये 2.0 वर्जन जल्द ही जनता के सामने होगा। 15 जनवरी को मायावती अपने जन्मदिन पर मीडिया के सामने आएंगी तो बीएसपी का 2.0 वर्जन भी साथ लाएंगी। इस दिन वो पार्टी की वेबसाइट और ऐप लॉन्च करेंगी। ऐप में वोटर्स का ज्योग्राफिकल डिवीजन होगा, यानी कि जनता को क्षेत्रवार तरीके से बांटा जाएगा। फिर इस डिवीजन के आधार पर पन्ना प्रमुख तय होंगे। हर बूथ पर टीम मौजूद रहेगी, यानी बूथ लेवल से पार्टी हाई कमान तक के नेता एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जिस भी इलाके के बारे में पार्टी हाई कमान तक जो भी फीडबैक पहुंचाना होगा वो ऐप के जरिए उन तक पहुंचाया जाएगा। ऐप में जनसंवाद का भी एक कॉलम रहेगा, जिसके जरिए पार्टी तक आम जनता का डायरेक्ट फीडबैक पहुंच सकता है। इसके अलावा पार्टी के कार्यक्रमों का ब्यौरा और जानकारी भी ऐप पर मौजूद रहेगी। जिन महापुरुषों के विचार से पार्टी प्रभावित है, उन महापुरुषों के विचार भी ऐप पर देखे जा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों के हवाले से बताया गया कि पार्टी विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं बनने जा रही है। हालांकि 2024 के लिए वो कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे लोग चौंक जाएंगे। पार्टी की इस कवायद के पीछे की कहानी है बीएसपी का 2.0 वर्जन। बीएसपी का 2.0 वर्जन इंडिया गठबंधन के लिए चिंता बनने वाला है और वो इंडिया गठबंधन की चिंता भी बढ़ा सकता है। बहुजन समाज पार्टी भले ही उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में ज्यादा सीटें ना जीत पाए, लेकिन वोट शेयर के मामले में मजबूत नजर आती है। पिछले चुनाव के आंकड़े तो यही बताते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भले ही एक भी सीट ना जीती हो, लेकिन उसका वोट शेयर 19.77% था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली, लेकिन वोट प्रतिशत 22.23% था। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो उसमें भी उसने 19.26% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती थी। 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ 38 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे। वहीं 2022 के यूपी चुनाव में बीएसपी सिर्फ एक ही सीट जीत सकी, लेकिन अकेले चुनाव लड़ते हुए भी उसका वोट शेयर 12.88% था। अब 2024 के लिए मायावती क्या करती हैं, इस पर इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों की ही नजरें टिकी होंगी।